को नमस्ते। मैं सोम सर आप लोगों को आज की क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर के तीसरा भाग लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ मैं पिछले जो दो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आज पे भी हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। हर दिन हम लोग कुछ कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। उसके साथ हर दिन की तरह वीडियो के एंड में है ना, आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल गिव द क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो खत्म होने के बाद आप लोगों को क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। और पिछले क्लास में एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा था, शरण्यम दीक्षित पुजारी, उन्होंने मेरे से सवाल पूछा था कि सर व्हाट इज ग्रेडियंट कलर, तो उसका आंसर भी आज के वीडियो में मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, और जहाँ पे आप लोगों को कुछ डाउट्स लगे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, सर मुझे यहाँ पे डाउट है। तो पिछले क्लास में नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को उसी के आधार पर मैं वीडियो बना दूंगा, नया वीडियो। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडो खुला हुआ है। ठीक है, जैसे पिछले क्लास में हमने शायद हमने कैसे बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, कलर करना हो, है ना, फॉन्ट से कैसे बनाते हैं, उसमें फॉन्ट कैसे डालते हैं, हमने सब किया था। तो आज हम लोग इसमें करेंगे कि बुलेट्स एंड नंबरिंग। ठीक है, बुलेट्स एंड नंबरिंग अच्छा लगेगा आप लोगों को। उससे पहले आप देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको लिया, यहाँ पे लेने के बाद आपको यहाँ पे लिखेगा ए, ये आपका आगे एक बुलेट, तो इसमें मैंने लिखा है किसका नाम, अमन। ठीक है, मैंने किसी का नाम मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। उसके बाद फिर मैंने इस पे एंटर प्रेस किया, राजीव, है ना। उसके बाद तो इस तरह से मैं जब भी इसमें नाम टाइप करता जाऊंगा, वहां पे आपका जो नेम का लिस्ट है उसके आगे एक बुलेट लगता हो जाएगा, वो भी ऑटोमेटिकली। आपको मान ले नहीं चाहिए, आप क्या करेंगे, जो बैक स्पेस जो की है उसको आप लोग प्रेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद और एक चीज होता है यहाँ पे नंबरिंग। तो नंबरिंग में यूज करके भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे वन, नंबर वन में वन आ गया, वही नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इसमें नंबर अपने आप ही आ जाएगा। जो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं ना, क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर मेनली ज्यादा यूज होता है आपका क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर बनाने में, या फिर कोई भी जैसे कि इसका ए सब टाइप है ना, कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ए सब आए, जैसे फाइल टैब है ना, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। तो इसको अगर मैं ऐसा दिखाऊं, मान लिया मेरे पास, मैंने दिखाना चाहता हूँ एमएस वर्ड, रुको यहाँ पे लिखा मैंने वेरियस वेरियस पार्ट्स ऑफ एमएस वर्ड। ठीक है, उसको मैंने बोल्ड अंडरलाइन कर दिया। अब मुझे क्या करना होगा इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं बुलेट्स लूंगा। तो अब यहाँ पे मैंने ले लिया बुलेट, कोई भी कोई से भी ले लेते हैं बुलेट, जैसे फाइल टेप है ना, उसके बाद होम टेप, ठीक है, स्टेटस बार, उसके बाद टाइटल बार, टाइटल बार। ठीक है, इस तरह से हम लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आप देखिएगा, इसमें कुछ हम लोगों का कुछ पहले कुछ फॉन्ट कुछ यहाँ पे पैराग्राफ अलाइनमेंट्स है, तो इसको हम लोग क्लिक करके जहां पे हम लोग डेस्क को जिस तरह से उसको पैराग्राफ देना है वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अगर लेंगे तो ये क्या होता है, लाइन स्पेसिंग, इसको क्या कहते हैं हम लोग, लाइन स्पेसिंग। तो इसमें हम लोगों का लाइन का जो स्पेस है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग उसको क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा फाइंड रिप्लेस। ठीक है, तो फाइंड में मैंने क्लिक किया, तो फाइंड में जब क्लिक करूंगा साइड में आपका नेविगेशन बार एक आ जाएगा। तो उसका इसका फाइंड का क्या काम होता है, मुझे कोई भी एक वर्ड मुझे वहां पे मुझे क्या करना होगा, फाइंड करना होगा, मतलब मुझे उस वहां पे उसको ढूंढना होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेटस बार, सॉरी इसमें मुझे कहाँ पे लिखना है, स्टेटस, इसमें लिखना है एस टी स्टेटस बार। यहाँ पे लिखा, देखिए इसमें आपका वो हाईलाइट हो गया, मतलब आपको क्या समझा दिया कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड जो है यहाँ पे है वो हाईलाइट कर देगा आपको। अब मुझे इसको क्या करना है, किसी रिसोर्स को रिप्लेस करना है, मतलब उसको
इस वर्ड के इस वर्ड को हटा कर मुझे दूसरे वर्ड वहां पर बैठाना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कहां जाएंगे, रिप्लेस में। तो इसमें देखो फाइंड वर्ड क्या दिया है, स्टेटस बार, इसमें मैंने दे दिया व्यू बटन्स, ठीक है, रिप्लेस ऑल ऑल कर। अब देखिएगा इसमें जहां पे आपका स्टेटस बार था वहां पे आपका क्या आ गया, व्यू बटन्स आ गया, ठीक है। तो ये हो किसका काम होता है, फाइंड एंड रिप्लेस का काम होता है, ठीक है। आशा करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट आप लोगों को होना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं चला जाऊंगा अभी मैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में देखिए, इंसर्ट टैब में हम लोग क्या करेंगे, खाली इंसर्ट करेंगे, इसमें इंसर्शन का काम होगा। फॉर एग्जांपल चाहे कोई शेप इंसर्ट करना हो गया, कोई भी क्लिप आर्ट इंसर्ट करना हो गया, कोई भी पिक्चर इंसर्ट करना हो गया, ठीक है, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग जो चाहे वहां पे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कहां पे जाना है, शेप्स, शेप्स में क्लिक किया। शेप्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं कोई भी शेप ले लिया, यहाँ पे देख लो आप, राउंड रेक्टेंगल है ना, ओवल है, रेक्टेंगल है, जो मुझे मान लिया मैंने इसको ले लिया। अब मैं इसको क्लिक कर दूंगा यहाँ पे, तो इसमें क्लिक करते ही आपको बार बार शेप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको साइड में दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आप लोग हम लोगों का ड्रॉइंग टूल्स है ना, उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। अगर शेप में हम लोग चेंज करना चाहते हैं, है ना, उसका अगर हम लोग स्टाइल चेंज करना है तो कहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए साइड में शेप स्टाइल, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्लिक करने से देखिए जो स्टाइल आप लोगों को चाहिए यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, ले लिया हमने। इसके अंदर हमें कुछ लिखना है, इस शेप के अंदर हमें क्या करना है, कुछ लिखना है। तो क्या करेंगे हम लोग, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद कहां पे क्लिक करेंगे, एड टेक्स्ट, ठीक है, एड टेक्स्ट। देखिए आप जो कर्सर है इसके अंदर आ गया, तो हम लोग यहां पे ले सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहां पे इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो ये आपका यहां तक आ गया है, तो यहां पे भी हम लोग ऐसा करके उसको कर सकते हैं काम। उसके बाद अब देखिएगा, अगर मुझे इसका ये जो उसका लाइन है, आउटसाइड जो बॉर्डर है ना, उसका डायमेंशन में हम लोग बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो क्या करेंगे, उसमें राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट शेप, ठीक है, फॉर्मेट शेप। उसके बाद देखिए कहां पे जाएंगे हम लोग, लाइन कलर, ठीक है, लाइन कलर, उसमें हम लोग ये कलर देखिए आपका उसको ब्लैक हो गया। उसके बाद ये जो इसका ट्रांसपेरेंसी है तो इसको भी हम लोग मतलब ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ग्रेडियंट लाइन, अब देख लो यहां पे मैं आप लोगों को बता देता हूं ग्रेडियंट कलर का मतलब क्या है। ग्रेडियंट का मतलब होता है इस टाइप का कलर जहां पे आपका थ्री डायमेंशनल कलर का मिक्स कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है, थ्री मतलब दो तीन कलर का कॉम्बिनेशन वहां पे आता है। देख लीजिए आप, यहां पे आप देखिए यहां पे तीन तीन कलर है ना, तो इस तरह से आपका तीन तीन कलर का जो कॉम्बिनेशन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट कलर, ठीक है। उसका आंसर मैंने वहां पे लिखा दिया है, ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को दूंगा वहां पे उसका है। उसके बाद आप देखिए लाइन का स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो विड्थ है इसका देखिए मैंने बढ़ा दिया, तो उसका जो विड्थ है ना, साइड का जो विड्थ है देखिए आप, ये भी बढ़ जाएगा। अगर मैं उसका लाइन का जो स्टाइल है अगर मैं ऐसा कर दिया तो उसका जो ये है ये भी आपका बढ़ जाएगा। शेडो मतलब यहाँ का इसका जो शेडो है हम लोग वहां पर भी ले सकते हैं, परछाई है ना, तो इसका अगला हम लोग जिस तरह से हम लोग लेना चाहे शेडो भी हम लोग उसका ले सकते हैं। अगर शेडो का इतना ज्यादा यूज हम लोग करते नहीं है फिर भी हम चाहो तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैं शेप का यूज करके एक डायग्राम बनाकर दिखा रहे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग के पास जो होता है जो कंप्यूटर का जो साइकिल होता है ना, कैसे हम लोग इनपुट डिवाइस कनेक्ट करते हैं, आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करते हैं, है ना, तो इसका मैं साइकिल उसका जो डायग्राम है मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं इंसर्ट शेप में गया, जाने के बाद मैंने एक शेप लिया, कौन सा वाला लूंगा, मैं इसको ही लूंगा,
कौन सा लो कौन सा लो, एक मिनट इसको ले लेता हूँ। ठीक है, इसको ले लिया मैंने शेप को। उसके बाद एक एरो साइन लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जगह नहीं होगा नहीं तो, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, थोड़ा छोटा कर दिया मैंने, इसको ले लिया। उसके बाद यहाँ से लिया मैंने और एक शेप, सॉरी एरो साइन थोड़ा थोड़ा गलत हो गया, सर मुझे उल्टा लेना था, क्योंकि इनपुट डिवाइस हम लोग क्या करेंगे उसमें कनेक्ट करेंगे, है ना, इनपुट डिवाइस हम लोग क्या करेंगे इसमें कनेक्ट होगा, जैसे एरो साइन इस तरफ आएगा। उसके बाद ये दूसरा एरो लिया मैंने, इसमें क्या होगा आउटपुट हमें डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं जो इसका एरो एरो का जो साइन है ना, इसका भी हम लोग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, कहाँ पर जाएंगे हम लोग, फॉर्मेट शेप। ठीक है, फॉर्मेट शेप में जाने के बाद उसको जो विथ है उसको बढ़ा दिया मैंने। उसके बाद इसको भी राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद इसका जो विथ है ये आपका बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद तो चेंज कर देता हूँ उसको, आउटपुट डिवाइस भी कनेक्ट होगा ना वहाँ पे, तो हमें इसका भी फॉर्मेट जो शेप शेप का जो फॉर्मेट है उसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और एक लूंगा और एक शेप लूंगा। तो अब मैं लूंगा जो रेक्टेंगल वाला जो शेप है इसको लूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया। ठीक है, तो उसके बाद ये आपका हो गया। अब मैं इसका जो है उसका अंदर का जो स्टाइल थोड़ा चेंज कर देता हूँ, जो अच्छा लगे थोड़ा सा, ये यहां से भी ले लिया मैंने कोई कुछ ना कुछ, ये भी ले लिया मैंने। ठीक है, तो ये आपके पास एक डायग्राम आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर भी मैं एक शेप लेता हूँ। शेप लेने के बाद इसमें और उसका शेप का जो स्टाइल है थोड़ा चेंज कर दूंगा मैं। राइट क्लिक, एड टेक्स्ट। तो इसमें मैं क्या लिखता हूँ, एलयू मतलब एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। हालांकि इसके बारे में आप लोग बाद में जानकारी मिलेगा, अभी जस्ट इसको मैं डायग्राम बनाने के लिए मैं इसको खाली इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है इसके बारे में, अभी आप लोगों को इतना डिटेल में जानने जान समझ में शायद शायद नहीं आएगा। ठीक है, जैसे बेसिक डायग्राम इसलिए मैं बना रहा हूँ उसको। उसके बाद मैंने क्या किया, आप जो भी चाहो अगर आपके मन के हिसाब से भी आपको आपको कोई भी डायग्राम बनाना चाहो वहां से शेप लेकर के भी आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से लिया एक एरो साइन, एरोसाइन लिया। उसके बाद यहां से भी मैंने एक एरोसाइन ले लिया और उसके बाद यहां से भी मैं लूंगा एक एरोसाइन। एरोसाइन ले लेता हूं, आप लोग समझ में है ना, एरोसाइन कहां से लेंगे, इंसर्ट में जाने के बाद शेप में जाकर के हम लोग एरोसाइन ले सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट में जाने के बाद शेप में जाने से आपको एक एरोसाइन वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप लोग क्लिक करके ये काम आप लोग कर सकते हो। उसके बाद हमने क्या किया, यहां पे और एक ले लिया, और एक यहां से और एक ले लिया। ठीक है, तो ये हम लोग ये हो गया हम लोगों का, और एक यहाँ पे मैंने शेप ले लिया उसमें भी हम लोग एक लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का, ये एक शेप लग गया यहाँ से। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, जाने के बाद
अब देखो जब आप शेप में जाओगे ना, शेप फिल दिखिएगा, शेप फिल, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो टेक्सचर डाल सकते हो, है ना, ग्रेडियंट इसमें भी है, ग्रेडियंट आप चाहो तो इस तरह से ग्रेडियंट डाल सकते हो, ठीक है। देखो दो तीन कलर का कॉम्बिनेशन आ गया ना, व्हाइट व्हाइट और ब्लैक का था। उसके बाद यहाँ पे अगर राइट क्लिक करते हैं हम लोग, राइट क्लिक करेंगे इसमें, एड टेस्ट करेंगे, इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, सी यू, है ना, मतलब कंट्रोल यूनिट होता है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और इसमें राइट क्लिक करके एम यू मतलब मेमोरी यूनिट, तो इसको भी हम लोगों ने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, ठीक है। यहां तक हो गया। आप देखो आप लोग यहां से ये आप लोगों के पास एक 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 शेप बन गया। इसमें मैं लिख देता हूँ राइट क्लिक करके एड टेक्स्ट, इसमें हम लोग ये इनपुट डिवाइस, है ना, और इसमें राइट क्लिक करके क्या कर दिया हमने, आउटपुट डिवाइस। आप अगर चाहते हो इसमें थोड़ा कलर का थोड़ा चेंजेस करो। देखो ए वाला शेप लाने के लिए आपको क्या करना होगा, ड्रॉइंग इसमें पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर शेप को आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्लिक करो, जब सिलेक्ट कैसे करोगे, माउस को यहाँ पे लेके जाओगे, इसको क्लिक कर दोगे, क्लिक करते ही आपका साइड में देखेगा ड्रॉइंग टूल्स लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, ड्रॉइंग टूल्स। आप उसको क्या करोगे, आप उसको क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, कहाँ पे जाएंगे आप लोग, शेप फिल, ठीक है। उसके बाद इसमें भी है मोर फिल कलर्स, इसमें भी जा सकते हो। इसमें हम लोग अगर जो भी कलर हम लोग लेना चाहे ना, इसी हिसाब से भी हम लोग कलर यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर शेप उसमें एफेक्ट चाहिए आपको, इस तरह से कुछ एफेक्ट भी डाल सकते, देखो उसका जो थोड़ा डिजाइन है, जो शेप का जो साइज है, तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी लिया आप लोगों ने शेप आउटलाइन, आउटलाइन मतलब जो उसका जो आउटसाइड जो बॉर्डर है उसका उसका कलर चेंज होगा, ठीक है। इतना ज़रा वो नहीं, क्योंकि हमने पहले ले, ले, ले चुके हैं आउटलाइन का कलर। उसके बाद यहाँ से हम लोग गए, यहाँ से जाने के बाद ग्रेडियंट ले लिया हम लोगों ने, यहाँ से ग्रेडियंट ले लेता हूँ, जो भी ग्रेडियंट हमें चाहिए ये हम लोग यहाँ से ग्रेडियंट ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का, एक डायग्राम बन गया। तो आप जैसा चाहो आप लोग बना सकते हो, और भी है इससे डायग्राम से रिलेटेड, मैं आने वाले क्लासेस आने वाले जो क्लास होंगे उसमें भी आप लोगों को मैं दिखा दूंगा, तो ठीक है। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, पहले आप लोगों को कहाँ पे जाना होगा, इंसर्ट पे जाना होगा। जाने के बाद हमें क्या करना है, शेप लेना है। देखो देखने में अच्छा कैसा लगा वो आपके ऊपर, आपके क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है, आप कैसे उसको बनाते हो, है ना। कलर तो मैंने अपने हिसाब से डाला है, कलर आप चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ उसको ही बनाना है या फिर कलर मैंने जो डाला वो डालो, कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखने में खैर अच्छा लगना चाहिए, है ना। तो और भी कुछ डिजाइन बनते हैं शेप को यूज करके, तो आने वाले क्लास में मैं दिखाता जाऊंगा आप लोग। देखिए क्लास अभी एक भी मिस मत कीजिएगा, मजा आने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कैसे कैसे आप लोग बनाते हो, ठीक है। तो इस आशा के साथ आप लोगों से मैं आज का क्लास में खत्म करने से पहले मैं जाऊंगा थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर की तरफ, है ना। क्वेश्चन आंसर में अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या है ऐसा जो क्वेश्चन आंसर है। तो मैं पहले उसको खोल लेता हूँ, ये बनाकर रखा है आप लोगों को क्वेश्चन। इसमें पहले कहा है, देखो व्हेन वी प्रेस द बैकस्पेस की द लेटर्स टू द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट आर डिलीटेड वन बाय वन, फॉल्स। देखो हम लोग दो की होते हैं, एक होता है डिलीट की, एक होता है बैकस्पेस की। मिटाने के लिए हमें कौन सा की चाहिए, दोनों यूज होता है, डिलीट की भी यूज होते हैं और बैकस्पेस की भी होते हैं। देखो अगर हम बैकस्पेस की से रिमूव करोगे तो कहां से किस तरफ से होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। समझ में आया ना आप लोगों को, मतलब वो आपका। और अगर हम लोग डिलीट से करेंगे तो इस साइड से होगा, डिलीट से होता है हमेशा राइट साइड से, राइट साइड से डिलीट होगा, और बैकस्पेस से हमेशा लेफ्ट साइड से डिलीट होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। दोनों की चाहिए हमें, बैकस्पेस की और डिलीट की दोनों ही चाहिए, खाली बैकस्पेस की से आपका लेफ्ट साइड से डिलीट होता है और आपका डिलीट की से आपका
राइट साइड से डिलीट होता है, ठीक है। अंडू एंड रीडो कमांड्स आर प्रेजेंट इन द होम टैब। अब अंडू एंड रीडो क्या होता है देख लो, मान लिया मैंने इसको इस एंड को मैंने क्या कर दिया उसको मिटा दिया। अब देखिए यहाँ पे एक आपका देखिए अंडू अंडू बोल के लिखा है, उसको प्रेस कर दीजिएगा जो एंड आपने लिखा था वो फिर से आ जाएगा। और अगर फिर से उसको मतलब उसी कमांड को फिर से नहीं करना है तो हमें क्या करना है रीडू, ठीक है। मतलब पहला कमांड को इग्नोर फिर से वापस करने के लिए हम क्या क्या करते हैं अंडू करते हैं, और उसी काम को फिर से करने के लिए हम क्या करेंगे रीडो करेंगे, ठीक है। उसके बाद वी फर्स्ट नीड टू ब्रिंग द कर्सर इन द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट टू द सिलेक्टेड। हाँ ये तो सही है, मैं अगर उसको सिलेक्ट करना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसको, उससे पहले हम लोग सिलेक्ट कर मतलब माउस जो का पॉइंटर जो उसे आगे की तरफ लाना पड़ेगा। व्हेन यू यूज द कट कमांड टेक्स इमेजेस एंड अदर ऑब्जेक्ट्स एंड रिमूव फ्रॉम इरेज फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन। हाँ कट का मतलब तो वही था कि मान लिया मैंने उसको कट कर दिया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा वो कट हो जाएगा, वो जो जिस लोकेशन पर था वो वहां से क्या हो जाएगा वो पूरी तरह से मिट जाएगा, ठीक है। उसके बाद द सिलेक्टेड टेक्स्ट इज हाइलाइटेड इन द रेड कलर, ये गलत है क्योंकि देखिए जो जिसमें मैंने अभी सिलेक्ट किया कौन सा कलर में आ रहा है ब्लू में आ रहा है ना, वो रेड में नहीं आता, वो हमेशा ब्लू कलर में आते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर किसी कोई भी काम करेंगे उससे पहले उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर टेक्स्ट या फिर इमेज को हमें सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, बिना सिलेक्शन करेंगे तो वहां पर कुछ नहीं होने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए पहले सिलेक्शन आपको करना होगा, दिस इज मस्ट, सिलेक्शन इज मस्ट। अब हम लोग आते हैं इसमें मैच द फॉलोइंग में, रीडू रिवर्स द अंडू, मैंने बताया ये आपको थोड़ी देर पहले, जो अंडू का रिवर्स क्या होता है रीडो होता है। कट टेक्स्ट इज रिमूव, टेक्स्ट बाहर से क्या हो जाता है रिमूव हो जाता है। डिलीट की लेटर टू द राइट, एक मिनट, हाँ लेटर टू द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट आर डिलीटेड, ये होता है डिलीट की का काम। सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट इन वन गो, है ना, अगर मैं उसको पूरा सिलेक्ट ऑल करता हूँ, ठीक है, पूरा जितना सारा टेक्स्ट है पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर राइट, तो ये हम लोग इसको कर सकते हैं। उसके बाद अंडू सिलेक्ट ऑल के लिए क्या करना है हमें, कंट्रोल दबा करके ए दबाना है, कंट्रोल ए दबाने से क्या हो जाता है सिलेक्ट ऑल हो जाता है, ठीक है। मतलब पूरा टेस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं सिलेक्ट ऑल दबा करके। अंडू अंडू से क्या होता है टेक बैक द कमांड जस्ट गिवन, जो कमांड आपने दिया है उसको बैक करने के लिए हमें क्या करना है अंडू करना है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको भी लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं जो क्वेश्चन आंसर पे, What is editing in MS Word? MS Word में editing का मतलब क्या है? Editing a word file means making changes in the text contained in a file. मान लिया file, इसमें मुझे S लगा रहा था, मान लिया example दे रहा हूँ, मतलब क्या क्या मैंने उसमें changes किया ना, तो उसको हम लोग इसको क्या कहते हैं हम लोग edit। मतलब उस particular text या फिर sentence में अगर हम लोग कुछ भी edit करेंगे या फिर हम लोग format करेंगे कुछ भी करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे edit करना, ठीक है, this is called editing। वर्ड इंसर्शन पॉइंट, द इंसर्शन पॉइंट इज द ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, इट इंडिकेट्स वेयर वी कैन एंटर द टेक्स्ट ऑन द पेज। देखिए ये जो आपका जो वर्टिकल लाइन जो है जो ब्लिंक कर रहा है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं इंसर्शन पॉइंट, ए वाला, ठीक है। वो क्या इंडिकेट करता है आप लोग टेक्स्ट कहां से लिखोगे और कहां पे वो खत्म होगा। एक्सपेंड कार्ड कॉपी एंड पेस्ट टूल्स, कार्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स एनेबल अस टू आइदर डुप्लीकेट और रिमूव लार्ज पोर्शन ऑफ टेक्स्ट इमेजेस और अदर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन पेज टू इन द डॉक्यूमेंट और एनी अदर डॉक्यूमेंट। इसका मतलब जैसे मान लिया मैंने इसको क्या कर दिया कॉपी कर दिया, ठीक है, कॉपी कर दिया, कॉपी करने के बाद मैंने उसको यहाँ पे लेके आया राइट क्लिक किया पेस्ट कर दिया, देखिए क्या हुआ, ये यहाँ पे भी है ये वहां पे भी है ना। अगर मैं कट कर दूं तो क्या होगा ये पूरा मिट जाएगा यहाँ से, और एंटर दबा कर यहाँ पे अगर लिख दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो पेस्ट हो जाएगा। तो यही इसका यही काम होता है कि उसी पर्टिकुलर कोई भी मतलब वो हमें क्या करता है कोई भी टेक्स्ट हो गया चाहे वो कोई इमेज हो गया है ना चाहे कोई भी शेप हो गया और कोई भी तरह का ऑब्जेक्ट इसको क्या करता है एक डुप्लीकेट फाइल बनाता है, नहीं तो वहां से कंप्लीटली उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और जिन्होंने मेरे से पूछा था व्हाट इज ग्रेडियंट कलर, ये आपका वो आंसर है, एक ग्रेडियंट फील इज अ ग्राफिकल इफेक्ट दैट प्रोड्यूसेस अ थ्री डायमेंशनल कलर लुक बाय ब्लेंडिंग वन कलर इनटू अनदर। उसका मतलब क्या होगा तीन तरह का कलर होगा और तीनों का कलर का जो कॉम्बिनेशन होगा एक ही साथ में उसको क्या कहते हैं हम लोग ग्रेडियंट कलर, ठीक है। ये होगा आज का जो क्वेश्चन आंसर है, होमवर्क में नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आज के क्लास में हालांकि नहीं है होमवर्क क्योंकि पूरा कराना भी है आप लोगों को ना, तो इसलिए मैंने आज होमवर्क दिया नहीं है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है।
आशा करता हूँ आज का जो क्लास से आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो में, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, नमस्ते।